प्रणाम बच्चों, आशा करते हुए कि आप सब कुशल मंगल होंगे। बच्चों बच्चों आप स्कूल नहीं आ पा रहे इसलिए हम क्लासेस ले रहे हैं आपको। जो भी ले रहे हैं उसे बराबर से लिखना है, ठीक तरह से पढ़ना है, ठीक तरह से लिखना है। बच्चों पिछले पार्ट में हम लेसन नंबर 3 पार्ट 3 रीडिंग कर चुके हैं, उसमें है मीनिंग्स और दो बिट्स। पेज नंबर 14 निकालिए, इसमें फर्स्ट और सेकंड बिट दो कर चुके हैं। मीनिंग्स भी क्लास में लिखे बच्चों। अब आप आपकी हिंदी पुस्तक ले लीजिए, हिंदी टेक्स्ट बुक ले लीजिए, हिंदी टेक्स्ट बुक ले लीजिए। पेज नंबर 14 पिछले पार्ट में फर्स्ट और सेकंड, पहला और दूसरा हम लोग कंप्लीट करें। अभी थर्ड बिट करने जा रहे हैं। हिंदी अर्थ लिखिए, ये इंग्लिश शब्द दिए उसका हिंदी में अर्थ लिखना है। राइट हिंदी मीनिंग्स, ये इंग्लिश अंग्रेजी में दिए इसका वर्ड, इसका अर्थ हमें हिंदी में लिखना है। अर्थ यानी मीनिंग। राइट हिंदी मीनिंग्स। देखिए बच्चों थर्ड वन, हिंदी अर्थ लिखिए, हिंदी में अर्थ लिखना है। राइट हिंदी मीनिंग्स, W-R-I-T-E, Right Hindi, H-I-N-D-I, Hindi Meanings, F-E-A-N-I-N-G-S, Meanings, हिंदी में मीनिंग लिखना है बच्चों। यहाँ इसमें इंग्लिश में दिया है आप लोगों को, हिंदी में लिखना है। फर्स्ट वन देखिए फ्रेंड, F-R-I-N-D, फ्रेंड का अर्थ क्या है बच्चों? फ्रेंड का अर्थ क्या है? नीचे की लाइन से शुरू करिए बच्चों, नीचे देखिए, F-R-I, फ्रेंड का मतलब है मित्र, मित्र यानी दोस्त, फ्रेंड मित्र। स्वीट, स्वीट का अर्थ है मिठाई, मिठाई। अपने त्योहार पर मिठाई बांटते हैं ना, मिठाई। थर्ड वाला है रेन, रेन यानी वर्षा, बारिश, बारिश। देखिए बच्चों रेन यानी बारिश, वर्षा। पेज नंबर 15 खोलिए, देखिए बर्ड, B-I-R-D, बर्ड। बर्ड का अर्थ है बच्चों, बर्ड को क्या कहते हैं हिंदी में? पेज नंबर 15, बर्ड यानी चिड़िया। चाकुरी की मदद ची डी या चिड़िया। पोस्टमैन, P-O-S-T, पोस्ट, M-A-N, मैन। पोस्टमैन मैंने क्या बच्चों? डाकिया। लेटर जाता है ना, डाकुई की मदद की या डाकिया। हार्ट, H-E-A-R-T, हार्ट। हार्ट यानी दिल, डाकुई की मदद दी ला दिल। आप सबको दिल है ना, अपने लेफ्ट हैंड पर रहता है ना दिल, दिल। वाक्य पूरा कीजिए, कंप्लीट द सेंटेंसेस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करना ही, इस वाक्य को पूरा करना है बच्चों। कैसा करना है? डैश निकल आया, क्या निकल आया बच्चों? थर्ड बिट, ये फोर्थ बिट है बच्चों। कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट द सेंटेंस।
डैश निकल आई, डैश देखे, डैश निकल लाखों एक पत्र नी का ल निकल आया आया। क्या निकल आया बच्चों? दिन। क्या निकल आया? धातु की मतलब दिन, दिन यानी मॉर्निंग, मॉर्निंग ये बच्चों डैश। दूसरा देखिए, दूसरा वाला देखिए बच्चों, रिम जिम डैश आई, रिम जिम धातु की मतलब जी, रिम जिम डैश आई, डैश आई। क्या आई बच्चों? वर्षा के मौसम में क्या आता है? बारिश। बा राव के अर्थ मतलब बा, राव के अर्थ मतलब री, श बारिश। त्रिशा देखिए, माता पिता माता डैश का आदर कर, माता डैश डैश का आदर कर। किसका आदर करना चाहिए बच्चों? माता और पिता, माता यानी मम्मी, पिता यानी डैडी। अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, अपने मम्मी पापा का आदर करना चाहिए। गिव रेस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स, गिव रेस्पेक्ट टू योर एल्डर्स। रेस्पेक्ट यानी आदर करना। अभी देखिए बच्चों, नेक्स्ट बिट देखिए, फिफ्थ बिट देखिए, चित्र का उचित शब्द से मिलान मिलाना कीजिए। सी देखिए, चित्रों का उचित शब्द से मिलान कीजिए। मिलान यानी या चित्र लिए या शब्द दिए, कौन सा चित्र कौन से शब्द को मिलना है आपको मिलाना चाहिए, उस चित्र को उस शब्द से मिलाना चाहिए। पेज नंबर 15 बच्चों, आप सब लिख रहे होंगे बच्चों। देखिए बच्चों, देखिए इन शब्दों को सही चित्र से मिलाना चाहिए। चित्र यानी पिक्चर, सही पिक्चर से मिलाना चाहिए शब्द को। कुछ शब्द दिए, कुछ पिक्चर दिए ना, उस शब्द को सही चित्र से मिलाना। हिरण चौथा है डा
किया डाकिया। देखिए पहला चित्र क्या है बच्चों, पहला चित्र क्या है बोलिए, चित्र को देखकर पहचानिए। सितार सितार। देखिए दूसरा क्या है, हिरण हिरण। तीसरा देखिए डाकिया, ये चिड़िया। बच्चों आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं बच्चे, कर रहे हैं ना, हैंडराइटिंग बहुत नीट होना चाहिए बच्चों, अच्छी हैंडराइटिंग लिखना। देखिए नेक्स्ट वीक देखिए, सही शब्द पर गोला बनाइए। ड्रॉ सर्कल ऑन द करेक्ट वर्ड, ड्रॉ द सर्कल ऑन द करेक्ट वर्ड। सही शब्द पर आपको सर्कल करना है, वो सा सही शब्द है उसको ऐसे सर्कल करना है आपको, सही शब्द को। देखिए बच्चों पहला है एक ही शब्द है, उसमें कुछ मात्र इधर उधर है, उसे सही पहचान कर करना है। देखिए चिड़िया की स्पेलिंग ये सही है कि ये सही है, वो से सही है। देखिए वो सा सही शब्द है। देखिए ची दी या चा, चा को इतना था ची दी, डा को एक मात्रा रहना चाहिए ना बच्चों, कहा यहाँ डा को एक मात्रा है नहीं, या चाप को एक मात्रा नहीं है ना, या है ची डी या, यानी ये सही शब्द है ऐसे। दूसरा वाला देखिए ब री श, बारिश ब राशि, वो सा सही है शब्द है। देखिए बच्चों बारिश, इसमें तीन में कौन सा सही है, देखिए बारिश बा बा को एक मात्रा आई, रा को एक मात्रा नहीं आई, नहीं आई यहां पर भी नहीं आई बच्चों, इसका मतलब है ये बा रा को एक मात्रा री श बारिश, ये सही है शब्द। तीसरा देखिए प ई या प ह या, देखिए प ई या, छोटी एक मात्रा कैसे आई बच्चों, ई की मात्रा ऐसे आती ना बच्चों, ये छोटी एक मात्रा है, अगर ये ई यानी तो इसकी मात्रा ऐसे आती है, ये मात्रा कहां पर आ रही, देखिए ये तो बड़ी ई की मात्रा है, या तो कोई मात्रा ही नहीं है, ये यहां पर ई की मात्रा है, मतलब इसका ये शब्द सही है। फोर्थ देखिए दा दा की या डाकिया बच्चों, डाकिया हाँ डाकिया डाकिया डाकाया, वो सब सही है बच्चों, डाकिया 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 डाकाया, कौन सा सही है, डाकिया डा का को ही की मात्रा की या। देखिए इसे डा की या, इसको आ की मात्रा है, यहां पर आ की मात्रा नहीं है ना, इसलिए डकिया ये डाकिया, सही अर्थ है डाकिया बच्चों। बच्चों होमवर्क ले लीजिए, होमवर्क ले लीजिए बच्चों, होमवर्क रीड पेज नंबर 13। हा
Page number 13 in textbook. बच्चों आज का होमवर्क क्या है? पेज नंबर 13 खोलिए। ये मात्राओं के साथ इसे पढ़ना है। बच्चों इसमें मात्राएं दी गई ना, पेज नंबर 13 देखिए। ये कविता, ये दो पढ़ना है, दो पार्ट पढ़ना है। स्पेलिंग के साथ पढ़ना है आपको, मात्राएं के साथ पढ़ना है। देखिए बच्चों, का की कौन सी मात्रा है? ये की मात्रा है ना। ई की मात्रा कैसे होती? ऐसे होती है। ई की मात्रा ऐसे होती मालूम है ना, बड़े ई की मात्रा ऐसे होती है। इस पर ध्यान देना चाहिए, छोटे ई की मात्रा बड़े ई की मात्रा, ये मात्रा देखकर पढ़ना है। एक बार पढ़ेंगे बच्चों, पढ़िए। पिकनिक, दिन निकल आया, अनिल आ पिकनिक पर चल, छवि साइकिल पर चल, निधि इधर आ, सितार बजा, यानी सितार बजाने को कह रहे। रिमझिम बारिश आई, रिमझिम बारिश आई, चिड़िया आई, चिड़िया आई। बच्चों देखिए यहाँ पर चिड़िया आई, चिड़िया क्या कह रही? चिड़िया आई, चिड़िया आई, दाना लाई। देखिए उसके मुंह में दाना है ना, दाना लाई। विपिन कुट, चिड़िया कह रही विपिन कुट, माता पिता का आदर कर। किसका आदर करना चाहिए? अपने माता पिता का आदर कर। फिर हरि का नाम भज, फिर अपने भगवान का, भगवान की प्रार्थना कीजिए। पहले उठो, अपने माता पिता का आदर करिए और हरि का भजन करना चाहिए। ये पार्ट है बच्चों, इसको स्पेलिंग्स के साथ पढ़ना है, मात्राओं के साथ आपको उंगली रखकर एक एक शब्द पर, एक एक शब्द पर पढ़ना है। देखिए, डाकू ई की मात्रा दी ना, दिन नाकू ई की मात्रा नी, कल निकल, आकू आ की मात्रा आ, या को आ की मात्रा या, आया, ऐसे पढ़ना है। खाली पढ़ना नहीं है, मात्राओं के साथ पढ़ना है, समझे ना बच्चों? मैं आशा करती हूँ कि आप सब समझ चुके होंगे और पूरे मैं जो भी लिखा है पूरा लिख चुके होंगे बच्चों। फिर दूसरे पार्ट में मिलेंगे बच्चों, धन्यवाद।